पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में 10 अगस्त को कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया है। बंदी को सफल बनाने के लिए शनिवार को जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डॉक्टर सैयद जमाल के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसियों ने नगर निगम से एक रैली निकाली। रैली के माध्यम से बंदी को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों ने दुकानदारों, व्यापारियों और राहगीरों से 10 अगस्त को दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील किया। रैली नगर निगम से होते हुए गोलघर, गणेश चौक, विजय चौक, बैंक रोड से होते हुए नगर निगम में समाप्त हुई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लगातार बढ़ोतरी से ऑटो किराया, ट्रांसपोर्ट किराया भारी मात्रा में बढ़ जाने से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार जनता के सुख दुख को भूलकर आए दिन पेट्रोल डीजल एवं महंगाई बढ़ोतरी कर तानाशाही का रवैया अपना रही है। कांग्रेस पार्टी इनके इन विकास विरोधी कार्यों का विरोध करते हुए आगामी 10 सितंबर 2018 को भारत बंद का आह्वान करेगी। रैली में डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, दिनेश चंद श्रीवास्तव, गोरखनाथ श्रीवास्तव, दिलीप जायसवाल, मदन त्रिपाठी, उदयवीर सिंह, नवीन सिन्हा, प्रमुख वक्ता दिलीप कुमार निषाद, बादल चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान, संजीव सिंह सोनू, हरिसेवक त्रिपाठी, जयंत कुमार पाठक, मार्कंडे सिंह, दुर्गेश निषाद मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाध्यक्ष सैयद जमाल ने कहा सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ ये निर्णय लिया है कि प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दामों के विरुद्ध 10 सितंबर को भारत बंद रखा जाएगा। उसी के जन जागरण के लिए, लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए गोरखपुर के कांग्रेस जन ने प्रमुख बाजारों का भ्रमण करते हुए अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। 10 सितंबर को भारत बंद को इतना सफल बनाना है कि वर्तमान मोदी सरकार के पाए हिलने लगे, उनको ये मालूम हो जाए कि सत्ता के मद में चूर होकर प्रतिदिन हमारे खून को चूसने का काम करते हैं, गरीबों का शोषण करने का काम करते हैं, बेसहारों को और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करते हैं, माल भाड़े हमारे लगातार बढ़ते जाते हैं, टेम्पो के, ऑटो के, टैक्सी के किराए बढ़ते जाते हैं, आम जनता हताश और परेशान निराश है। 10 सितंबर को बंद करके कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने विपक्षी दल समान विचारधारा के हैं, स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, सारे लोग मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और वर्तमान सरकार को होश में लाने का काम करेंगे।